अगर आपने इस एपिसोड का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आपने एपिसोड वन में देखा कि हम छतरपुर से नौगांव हवेली रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए आए हैं। अब आगे मीटर तो बढ़िया आओ बढ़िया आराम से घूमने फिरने कारोबार से और मस्त यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उसके बाद धुबेला है यहाँ पे, तो वहाँ घूमो तो एक परफेक्ट है छतरपुर वालों के लिए नौगांव, क्योंकि खजुराहो थोड़ा दूर पड़ जाता है, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे हैं लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ जाता है 50 किलोमीटर, और यहाँ पे 20 किलोमीटर, तो इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समय भी कम लगेगा। तो ठीक है गाइस, जस्ट हमने मीनू मंगाया, आप देख सकते हैं हवेली रेस्टोरेंट। अभी अपन यहाँ से देखेंगे क्या क्या अवेलेबल। भाई बताओ, सबसे पहले तो स्टार्टर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, स्नैक्स सूप्स इतने। अब हम लोग खुद सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग को क्या खाना है, वो आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। बाकी मुझे बता देना चाहिए खैर आप लोग को। तो एक मिनट रुको, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको मेन चीज़, तो अगर आप फूडी हो तो आपको क्या क्या पसंद है तो वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो बताना चाहिए। स्नैक्स है फ्रेंच फ्राइज, ब्रेड पकौड़ा, ये सब चीज़ें होगी, पनीर पकौड़ा। ओके, स्टार्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, वेज सीख कबाब, पनीर पुदीना चटनी चिकन, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ता था यार, मुझे भूख लगाई बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। हाँ मंगलवार है, ओहो देख रहे हैं, तो अपन कोई प्लान भी नहीं बना सकते आज तो। आज तो अपन को सुबह चिकन ही वाला था इसीलिए तुमने मोबाइल उठाया था। ओके अभी अपन सेलेक्ट करते कि अपन को खाना क्या है, ठीक है। लो भैया अब तुम सेलेक्ट करो, बताओ सबसे लास्ट वाले पेज पे क्या था। तो ओके गाइस, इस वाले में यमी टमी एक टाइटल डला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें से मैं आपको बताता हूँ, भाई ने बोला है कि ये वाला सबसे अच्छा है। प्लेन मैगी, छोले भटोले, पाव भाजी, छोले भटूरे सॉरी पाव भाजी, मैगी कॉर्न, मैगी मसाला, मैगी प्लेन, मैगी चीज़, ओहो एग मैगी, रेड सॉस पास्ता। जल्दी लो यार, वाइट सॉस पास्ता, चिकन पास्ता, मैक्रोनी रेड सॉस, हाँ ओके, बेस्ट सैंडविच, डाला चीज़, पनीर मसाला, चिकन सैंडविच, ओहो। तो सबसे पहले हम मैगी चीज़ एक ले रहे हैं, भाई ने बोला है, उसके बाद हम रेड सॉस पास्ता, क्या वाइट सॉस पास्ता, दो में से एक बताओ कोई। रेड सॉस, वाइट सॉस, ओके ओके, तो रेड सॉस पास्ता और एक मैगी चीज़, मैगी विथ चीज़। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे कहाँ गए वो भैया, गायब हो गए हैं। नवीन चाचा बुलाएगी, नवीन ओके ब्रो, समझ गए क्या क्या, अच्छा बुला के लिया, मैं ही खुद उनको बोल देता हूँ। अरे यार नबीन, तुम फोटो बाद में लेते रहना अभी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा बनने में, मतलब नहीं ऑर्डर देने के बाद। हाँ ऑर्डर देने के बाद टाइम लगेगा भैया, वो नहीं है, अरे वो नहीं है, अरे यार नबीन भाई पिट जाओगे। नबीन जाने किसको बुला रहा था भैया ऑर्डर मंगाने के लिए, चलो रुको 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 रुक जा, हक्का नूडल, भाई ने बोला कि वो कैंसिल कर देते हैं, मैगी कैंसिल कर देते हैं, एक हक्का नूडल, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ओके, तीन चीज़, तीन लोग हैं तो तीन चीज़ अपन कर लेते हैं, मैगी विथ चीज़, रेड सॉस पास्ता और हक्का नूडल। हमें नौगांव भी जाना है तो वहाँ पे शायद खाने की कुछ व्यवस्था है। तो गाइस अभी डिस्कशन चल रहा है हम लोग का कि भाई कह रहा है यूगो क्रिएशन पुराना है, मैं बोल रहा हूँ मेरा चैनल पुराना है। तो भाई मैं बता रहा हूँ मेरा चैनल कब पुराना है, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैंस हैं इंस्टाग्राम के बहुत सारे लोग, जो मेरे दोस्त लोग हैं सभी लोग हैं, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उसके बाद मेरा यूट्यूब पे ज़रूर आता है, तो वो लोग मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर हैं। बाकी भाई का तो नया है, 9 मंथ में कितने हो गए, 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, सही है। ये हमारा रेड सॉस पास्ता और क्या बोलते हैं हक्का नूडल्स आ चुके हैं, अभी हम सर्व करेंगे, उसके बाद खाएंगे और टेस्ट बताएंगे आपको कैसा है। तो लो भैया, ए नबीन लो, तुम स्टोरी बाद में क्रिएट करना। ओके अभी अपन खा के टेस्ट बताएंगे कि कैसा टेस्ट है यहाँ पे जो रेड सॉस पास्ता है और हक्का नूडल्स का। बस भाई बस, फोटोज़ कम, आजकल वीडियोस मैं ज़्यादा बनाता हूँ, फोटो वाला सीन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी अपन यूट्यूब में आ गए हैं। तो ओके भाई चलो यार, इसको निकालना यार। तो अभी हम खा के बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा लग रहा है हमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आज बेमन से जो चीज़ डाला है, देखो मतलब इतने तरीके से नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है ओके, क्योंकि शायद हमने 2 बार उनको पुश कर दिया था कि क्या कर रहे हो ये, इतना लेट हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा था ओके, तो कोई बात नहीं। बाकी
क्योंकि उसके बाद फिर हमें जाना है नौगांव, तो नौगांव में भी खाने का कुछ प्लान है, इसलिए बस 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 भाई हाँ बस उसको रख दो, निकाल ही दो पूरा। गाइस काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, अब मुझे ज़रूरत है सॉस की, तो हमने बोला है सॉस। देख रहा हूँ मसाला जो है इन्होंने बनाया काफ़ी अच्छा है, स्वादिष्ट लग रहा है, खाना आते आते ठंडा हो गया। ओके थोड़ा सा नहीं, मेरा तो सही है, तुमने पहले फैला लिया था ना। तो गाइस हमने हक्का नूडल खाया, काफ़ी स्वादिष्ट था, जो इसमें उन्होंने मसाला डाला बहुत बेहतरीन, बस हमने थोड़ा सा ऊपर से नमक डाला, और जो सॉस थे थोड़ा चिली सॉस थोड़ा रेड सॉस, उसके बाद जो टेस्ट बना है काफ़ी शानदार मज़ा आया। मिर्ची लग रही है थोड़ी सी मुझे, क्योंकि मैंने ज़्यादा डाल दिया था, ये मतलब ख़त्म हो गई है, अभी थोड़ा और रह गया, उसके बाद फिर बचाना भी है, घूमना है, फिर शाम को अभी खाना की व्यवस्था भी है, इसके बाद लौट के घर भी जाना है, शायद वहाँ भी खाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं खा के बताता हूँ आपको रेड सॉस पास, उसके बाद मैं टेस्ट बताऊँगा, क्योंकि ठंडा अगर हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सॉस पास्ता भी खाया, इसमें तो कुछ ना ऐड करने की ज़रूरत थी ना कुछ हटाने की, हटा तो सकते नहीं थे, बाकी मज़ा आ गया। अब नवीन भाई काम कर दो, पानी मंगवा दो। तो मैं क्या बता रहा था, जो हक्का नूडल्स है उसमें हमने जब एक्स्ट्रा सॉस डाला और नमक डाला तो उसका स्वाद एक नंबर हो गया। तो अभी मैं सबको प्रेफर करूँगा कि अगर आपको नौगांव वाले हो तो यहाँ आके ट्राई करो, किफ़ायती दाम में और अच्छा स्वादिष्ट मिलेगा आपको हक्का नूडल्स। और जो रेड सॉस पास्ता है इसमें तो हमने कुछ डाला भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि शानदार तरीके से हमने बनाया था। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो पास्ता होता है इसमें या तो वो चीज़ ज़्यादा कर देते हैं कभी कभी, या कम कर देते हैं, तो उससे उसका स्वाद जो है बहुत बिगड़ जाता है। इन्होंने खुद से अलग से नहीं दिया, खैर खुद से डाला, लेकिन जो परफेक्ट डाला, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इन्होंने बिना मन से किया, लेकिन इन्होंने एक्चुअली बहुत सही तरीके से किया था, और जो इन्होंने चीज़ डाला था वो परफेक्ट था, लेकिन सही है। तो जो पास्ता के दीवाने हैं तो वो भी आएँ, किफ़ायती दाम में बहुत शानदार है। मैंने आपको मेनू में ही बताया कि क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी छतरपुर बालू के लिए सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि अगर आप कभी पार्टी करने आते हो या कहीं घूमने आते हो तो यार 20 किलोमीटर सही रहता है, छतरपुर से 5-6 किलोमीटर के अंदर पूरा शहर ठीक है बसा हुआ है, उसमें कहाँ जाओ। इसलिए जब बाहर आते हो तो कम से कम आधे घंटे आराम से आओ, कार से गाड़ी से आओ, मज़ा रहेगा थोड़ा सा रात में, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ का जो बाहर का इलाका है बहुत अच्छा मैदान है, यहाँ पे बाहर भी बैठो ऊपर भी बैठने के लिए है, आप आओ दोस्तों के साथ, कपल्स भी आ सकते हैं, बाकी फैमिली के साथ तो सबसे बढ़िया है छतरपुर इलाके में, मैं बोल रहा हूँ 20 किलोमीटर के दायरे में। गाइस काफ़ी देर हो गई यहाँ पे बैठे बैठे, और अब तो हमारा समय भी हो गया, अब तो हम बैठेंगे भी नहीं क्योंकि हमने खा लिया है, क्योंकि पहले तो ऑर्डर के लिए थोड़ा बैठना पड़ रहा था, वेट करना रह रहा था। हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ हो रही है, और उन लोग को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या ये लड़का वीडियो बना रहा है, छतरपुर में भी नया है ना, तो इसीलिए। ओके तो अभी अपन चलते हैं बाहर, और बाहर के बारे में कुछ बताता हूँ, बाकी मैंने खाने के बारे में स्पेशली जो कवर कर रहा था वो मैंने आपको बता दिया है, और कुछ मैं आगे बताऊँ उसके लिए मुझे और कुछ खाना पड़ेगा, तो अभी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। क्यों भाई तो पूरा पेट टाइट भरा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मिस हो गया सब कुछ, उठवाना पड़ेगा इनको। तो अब हम बिलिंग, भैया बिलिंग कर देते इसको। ओके तो हमने बोल दिया है बिलिंग के लिए, अभी हम बिल ले रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से, और हम जाएंगे अभी नौगांव। नौगांव में कुछ लोगों से मिलना है और दोस्तों से मिलना है, और उनके यहाँ थोड़ा काम भी है मुझे, उसके बाद मुझे जाना है नवोदय स्कूल, थोड़ा सा वहाँ से माइग्रेशन लेना है छोटे भाई का, तो वो भी ले लूँ, तो वो मैं पहले ही ले लूँगा अभी, क्योंकि अभी शायद 1:30 बज रहा है, उसके बाद क्या पता हम कितना लेट हो जाते हैं। तो 2 बज गए, ओके 2 बज गए, तो हम वहाँ से माइग्रेशन लेंगे, उसके बाद नौगांव, और उसके बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर छतरपुर निकलेंगे दोबारा अपने शहर अपने गाँव। ओके
क्योंकि पता है जब हम भोपाल इंदौर में रहते हैं तो जितने भी मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त हैं तो ये बोलते जब दिवाली होली रहती तो ये बोलते कि गाँव कब जाना है। गाँव मतलब जैसे छतरपुर भी है ना तो गाँव ही बोलते हैं। हाँ तो गाँव ही बोलेंगे। तो अभी हम निकलेंगे अपने गाँव। पेट भर चुका है और मज़ा आ गया है। एक बार मैं फिर से सबको प्रेफर करूँगा कि अगर आप नौगांव से हैं तो एक बार यहाँ आइए, और छतरपुर से हैं तो बढ़िया आइए। 20 किलोमीटर मात्र 20 किलोमीटर भी नहीं होगा छतरपुर से, इतना तो घूम लेते हो छतरपुर शहर में तो बढ़िया है। फैमिली के हिसाब से तो एक नंबर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप पीछे भी देख सकते हैं और गाइस अंदर भी और ऊपर भी है, तो सबके लिए परफेक्ट चीज़ है। और बाकी यहाँ का इलाके हमने यहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक की। मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे जब पोस्ट करूँगा तो आपको बताना कि फ़ोटोज़ कैसी थी, और बाकी आप लोग भी यहाँ शानदार तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और निकलवा सकते हैं, तो आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आओ कभी हवेली, एक वो है ना और स्लोगन और एक पीछे लिखा आ गए हवेली, तो ये भी है, बढ़िया है, शानदार तरीके। अब हम यहाँ से जाएंगे नौगांव। हमें नौगांव में बहुत सारे लोगों से मिलना है, क्योंकि मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि बहुत सारे लोग, जितने लोग को मिलना है तो मैं नौगांव आ रहा हूँ, तो अभी कॉल आए बहुत लोगों के तो मैं सबसे मिलूँगा। तो गाइस अब जा रहे हैं हम नौगांव, लेकिन उससे पहले मुझे काम है सामने नवोदय विद्यालय, वहाँ पर मुझे कुछ काम है तो मैं वहाँ पर कुछ अपना काम कर लूँ, उसके बाद निकलेंगे नौगांव। और चलो, हाँ तो फोन आ रहा, तो चलो पहले नवोदय चलो 2 मिनट के लिए, ठीक है। इस फिलहाल हमें नवोदय स्कूल में और मेरा काम जो था वो हो चुका है। अभी हम जाएंगे नौगांव, अपने दोस्तों से मिलेंगे और बहुत सारे लोग से मिलना है। तो गाइज अब हम जाएंगे नौगांव की ओर और चलो चलते हैं यार नौगांव में। काफ़ी लोग के फ़ोन आए हैं अभी जस्ट मिलने के लिए। यहाँ से नौगांव बस 2 किलोमीटर है। अरे नौगांव ही है, नौगांव ही है। ओके तो चलो गाइज मिलते हैं और दिखाता हूँ आपको आगे क्या क्या होने वाला है। फिलहाल हमें सैफ भाई के पास, सैफ भाई के शॉप पे, तो सैफ भाई सबको हाय बोल दो यार। हाय सैफ भाई, बहुत दिन से बोल रहे थे कि जब भी आना छतरपुर तो नौगांव ज़रूर आना। और ये भाई मेरा छोटा भाई बोल रहा था ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन दी है प्रखर सक्सेना जी ने, तो थैंक यू सो मच भैया, तुमने बोला था उसका असर है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय हमें सैफ भाई ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की है, तो थैंक यू सो मच भैया, क्योंकि नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग खा पी के आ रहे थे और इसकी सख्त ज़रूरत थी। वहाँ पर अवेलेबल होगी या होगी, हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन मज़ेदार। अच्छा नवीन बोल रहे हैं कि उसके हाथ में कुछ है और वो उससे ज्यादा मजेदार, तो हम समझ रहे तो मैं कौन सा मजा मिल रहा है, कुछ दिन का मजा फिर सजा ही सजा, इसलिए भाई सुधर जाओ कह रहे हैं। हम लोग सेल्फी ले रहे हैं लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो डोंट वरी अभी अपन सेल्फी लेंगे। तो गाइज हम सैफ की शॉप पे बैठे थे, बहुत सारे लोग मिलने को आए, तो भाई नीरज भी मिलने को आए, तो भाई को भी फॉलो कर लेना नीरज रिचारिया को, और अभी हम लोग फोटोज़ क्लिक करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे सब लोगों से मिलके। तो गाइस सब लोग को फॉलो कर लेना, सबकी लिंक मैं डाल दूंगा, और इंस्टा पे स्टोरी तो सबकी डालता ही हूँ हमेशा। और गाइस अभी अपन चलेंगे नौगांव, थोड़ा घूमेंगे, मैं आपको नौगांव दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे घर छतरपुर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और लास्ट में अभी हमें घर भी जाना है और टाइम भी हो रहा है। तो गाइस चलो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। गाइज वीडियो को लाइक कर देना, और नौगांव वालों के लिए स्पेशली और वीडियोस अपलोड होंगी, अभी मैं दोबारा नौगांव आऊँगा तो गाइज अच्छी अच्छी वीडियोस आपको नौगांव के बारे में कुछ एक्सप्लोर करूँगा और यहाँ की शॉप वगैरह का बताऊँगा। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइज थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, और ऐसे ही प्यार देते रहें। अभी नौगांव की और वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है गाइज, टेक केयर गाइज, चलो चलते हैं छतरपुर की ओर।